नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है बुधवार का और डेट 24 जनवरी। सुबह हो गई थी और ब्रश वगैरह सब कुछ हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और किचन काउंटर को भी मैं साफ कर लूंगी। वैसे तो मैंने जो किचन था वह रात में भी साफ किया था, बस सुबह से थोड़ा कपड़ा लगा दूंगी और उसके बाद जो मैंने रात में बर्तन धो रहे थे तो उनको भी मैं सेट कर लूंगी। और घर में भी सभी लोग उठ गए थे और पार्थ का एग्जाम का लास्ट पेपर था तो पार्थ भी उठ गया था और हस्बैंड भी उठ गए थे। सभी लोग उठ गए थे और जो बर्तन थे उनको भी मैं अरेंज करती जा रही थी और इसके बाद जो चाय है वह भी बना लूंगी। और पार्थ भी आज लास्ट एग्जाम पेपर होने की वजह से काफी रिलैक्स महसूस कर रहा था और बर्तन जम गए थे और उसके बाद जो चाय थी वह भी मैंने बनने रख दी थी। और पार्थ स्कूल जाएगा तो उसके लिए लंच भी मैं बना लूंगी और जग में मैंने पानी भर लिया था और बस यही छोटे छोटे जो काम थे, दूध को गर्म होना, तो बस यही सब मैं करती जा रही थी। और किचन में बहुत सारे छोटे काम ऐसे होते हैं जो बस होते हैं और उनकी कोई गिनती नहीं होती, तो बस दूध को गर्म होने रख दिया था, जग में भी पानी भर गया था, उसके बाद चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी थी और इसमें चाय पत्ती और शक्कर भी मैंने डाल दिया था। और पार्थ के लंच की भी मैं तैयारी करूंगी क्योंकि अभी पार्थ को स्कूल जाने में काफी टाइम है, तो अभी मैंने सिर्फ चाय ही बने रखी है और अदरक भी मैंने डाल दिया था। और इसके बाद जो क्लीनिंग है तो वह भी मैं कर लूंगी और बाहर जो झाड़ू था वह मैंने लगा लिया था और बेडरूम में भी मैं आ गई थी। और यहाँ पर मैं सबसे पहले जो झाड़ू लगाऊंगी और बेड को अभी अरेंज नहीं करूंगी क्योंकि अभी सुबह इतना टाइम नहीं है कि अभी बेड अरेंज करेंगे तो कहीं लेट ना हो जाए, तो बस झाड़ू लगाती जाऊंगी सभी जगह। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं पार्थ के लिए लंच बना रही थी और लंच में मैं आज पार्थ ले जा रहा था सोयाबीन की सब्जी। सोयाबीन की सब्जी पार्थ को काफी पसंद आती है तो वह अक्सर ले जाता है और उसको और बच्चों को जो पसंद होता है तो वह उनको लंच में देते हैं तो वह अच्छे से लंच भी कर लेते हैं, नहीं तो वह लंच भी नहीं करते हैं। तो वह सोयाबीन मैंने निकाल लिया था और उसको मैं बॉईल होने के लिए भी रख दूंगी। बॉईल होने के लिए मैंने सोयाबीन में पानी डाल दिया था और इसमें नमक को भी मैं ऐड कर दूंगी और नमक भी ऐड हो गया था। और सोयाबीन जब तक बॉयल हो रहे हैं तो मैं उसकी सब्जी की भी तैयारी कर लूंगी। लहसुन मैंने छील लिया था और काट भी लिया था और प्याज को भी मैंने काट लिया था और सोयाबीन भी बॉयल हो गई थी तो उसके बाद मैं इनको पानी से धो लूंगी और निचोड़ लूंगी। हरी मिर्च भी कट गई थी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तभी मैं इसमें जीरे भी ऐड कर दूंगी। जीरे ऐड हो गए हैं और जीरे ऐड होने के बाद जीरे जैसे ही भुन जाएंगे तभी मैं इसमें लहसुन भी ऐड कर दूंगी और लहसुन भी ऐड हो गया था। इसके बाद प्याज और हरी मिर्च मैंने काटी थी तो इसको भी डाल दूंगी। सारी चीजों को अच्छे से थोड़ी देर भून लूंगी और बहुत ज्यादा ब्राउन प्याज नहीं करूंगी क्योंकि पार्थ को ब्राउन प्याज का फ्लेवर पसंद नहीं आता है। टमाटर भी मैंने डाल दिया था और इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी और जिससे कि जो टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। और ये जो सब्जी है ना तो काफी बनती रहती है क्योंकि बच्चों को पसंद हो जो चीज तो वह घर में अक्सर बनती ही रहती है, तो टमाटर भी सॉफ्ट होता जा रहा था। और इसमें जो मसाले हैं वह भी मैं ऐड कर दूंगी और मसाले में मैंने इसमें डाला था धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। और नमक मैं थोड़ा कम डालूंगी क्योंकि जब सोयाबीन बॉईल किए थे तब मैंने इसमें नमक डाल दिया था और जो सोयाबीन बॉईल हो गए थे तो उसको मैंने पानी में धो लिया था और निचोड़ लिया था और उसको कढ़ाई में डाल दिया है। सारी जो सोयाबीन है अच्छे से भुन गई थी और उसमें हरा धनिया भी मैंने ऐड कर लिया था। और यह सब्जी काफी जल्दी बन जाती है और बच्चों को तो ये काफी पसंद होती है। इसके बाद जो आटा है वह भी मैंने तैयार कर लिया था और आटा मैं एक साथ ही तैयार कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड भी इसके बाद ऑफिस जाते हैं तो बस मैं एक साथ ही आटे को तैयार कर लूंगी। और इसके बाद मैं पार्थ के लिए रोटियां भी बना दूंगी और पार्थ के लिए रोटियां मैं बनाती जा रही थी और जैसे ही रोटियां बन जाएंगी तभी मैं उसका टिफिन भी पैक कर दूंगी। और पार्थ भी नहाकर हो गया था तैयार और उसने नाश्ता भी कर लिया था और नाश्ते में वह अभी वैसे थोड़ा टोस्ट वगैरह से कुछ खा के जाता है, ज्यादा वह नहीं खा के जाता क्योंकि एग्जाम है तो उसको तो बोलने लगता है कि ज्यादा खा के मैं कुछ नहीं जाऊंगा। तो बस रोटियां बन गई थी और जो टिफिन था वह भी मैंने पैक कर दिया था।
टिफिन पैक करने के बाद पार्थ फिर स्कूल चला गया था। और पार्थ के स्कूल जाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद हस्बैंड आए थे और उन्होंने बोला था कि उन्हें कहीं अर्जेंट जाना है, तो बस मैं फटाफट जो आटा मैंने तैयार किया था तो बस उसी से मैं पराठे बनाने लगी थी, क्योंकि इतनी जल्दी और कुछ नहीं बन पाएगा। तो बस फटाफट आटे में मैंने नमक और अजवाइन मिलाई और बस पराठे भी मैंने बनाने शुरू कर दिए थे। नाश्ता करने के बाद फिर हस्बैंड चले गए थे और वह बोल रहे थे कि आके ऑफिस जाएंगे तो मैं खाने की भी तैयारी कर लूंगी, क्योंकि पता नहीं कितनी जल्दी आते हैं या देर, तो बस इसी वजह से मैं खाना भी तुरंत ही बनाने लगी थी। और खाने में आज बना रही हूँ दाल चावल, और क्योंकि पार्थ स्कूल से आकर खाना नहीं खाएगा तो सिर्फ हस्बैंड और मैं हम दोनों ही बचे हैं, तो बस इसके लिए मैंने दाल बनने को लिए रखी थी और साथ में इसी कुकर में मैं चावल को भी बनने के लिए टिफिन में रख दिया था। दाल में मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, टमाटर हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी और जो टिफिन में मैंने चावल धोए थे उसको भी मैंने कुकर के अंदर ही रख दिया था, तो बस दोनों चीज़ें एक साथ ही बन जाएंगी। और इसके बाद जो बर्तन थी उसकी क्लीनिंग मैं करने लगी थी और जो दाल थी वह अभी पक रही थी, दाल भी पकती जा रही थी और जो बर्तन थे वह धुल गए थे। और इसके बाद मैं आ गई थी तो बस ये जो डोर है ना मेन वाला, तो ये तो इसमें थोड़ी काफी डस्ट रहती है क्योंकि ये हमेशा खुला रहता है और इसको मैं अच्छे से पोछ लूंगी क्योंकि हस्बैंड अभी नहीं आए हैं और जो दाल थी वह भी अभी बन गई थी, तो बस मैंने सोचा कि बस इसी टाइम में थोड़ी सी ये क्लीनिंग भी कर लूंगी। और दाल बन चुकी थी और जो मैंने चावल रखा था तो बस मैं उसको भी चेक कर लूंगी, क्योंकि ये ऐसा ये टिफिन में मैंने काफी दिन बाद चावल रखा है तो चावल भी मैंने खोल कर चेक कर लूंगी कि चावल पक या नहीं। तो चावल भी बन गए थे और मुझे थोड़े से ही चावल बनाने थे क्योंकि बाद में फिर कोई ठंडा चावल नहीं खाता है। और जो दाल थी उसको भी मैंने छोटे बर्तन में ट्रांसफर कर लिया था और सारे बर्तन में इकट्ठे कर लूंगी और बर्तन की जो क्लीनिंग थी वह भी मैं कर लूंगी। और बर्तन क्लीनिंग हो जाएगी तभी उसके बाद जो किचन क्लीनिंग है वह भी मैं कर लूंगी। और किचन क्लीनिंग तो डेली होती है पर खाना बनता है तो जो गैस चूल्हा है वह गंदा हो ही जाता है, तो बस उसको मैं अच्छे से साफ करती जा रही हूँ और जो उसके आसपास का एरिया है उसको भी मैं साफ करती जा रही हूँ। तो बस किचन साफ हो जाती है तो सारा घर भी साफ लगने लगता है। तो इसके बाद किचन क्लीनिंग हो गई थी और हस्बैंड अभी नहीं आए थे, जब वह आ जाएंगे तो मैं इनके लिए गरम रोटियां बना दूंगी। और उसके बाद जब हस्बैंड चले गए थे तो पोर्च में से जो गाड़ियां हैं वह भी निकल गई थी, तो बस मैं पोर्च की भी क्लीनिंग कर लूंगी क्योंकि यहाँ पर हमेशा गाड़ियां रखी रहती हैं और जब निकलती हैं तो हम लोग भी साथ में ही जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ की जो क्लीनिंग है वह उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो बस आज हस्बैंड अकेले गए हैं और पोर्च काफ़ी खाली है, तो बस यहाँ पर मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी और जो झाड़ू लग जाएगी तो उसके बाद पहले सीढ़ियों में पोछा लगाऊंगी और सारा जो पोछ है उसको भी मैं क्लीन कर लूंगी। जाला वगैरह भी मैंने इधर का छुटा लिया था क्योंकि यहाँ पर फिर से जो गाड़ियां रख जाएंगी तो फिर से निकलने में दिक्कत होने लगेगी, तो इस वजह से आज मुझे पोछ खाली मिला, तो बस मैं आज इसको साफ अच्छे से कर लूंगी। और इसके बाद मैंने नहा लिया था, नहाने के बाद मैंने खाना भी खा लिया था और शाम को 6 बजे करीब हो गए थे और मैं अचार भी बना लूंगी। और अचार मैं बना रही थी अड़िया और मिर्ची का, तो इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि इसकी जो कुछ क्लिपें हैं तो वो मिसिंग हो गई थी, इसमें प्रॉपर रेसिपी नहीं थी तो इसलिए मैंने आज रेसिपी नहीं शेयर करिए और किसी और दिन शेयर करूंगी। फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।